गाजा में इजरायली आक्रामकता का सामना कर रहे हमास को हिजबुल्ला से लंबे समय से काफी मदद मिल रही है। हिजबुल्ला इसराइल को बराबर जवाब दे रहा है। इस समय तो हिजबुल्ला इसराइल पर भारी पड़ता भी दिख रहा है। वो इसराइल के एक भी हमलों को खाली नहीं जाने दे रहा है। वो हर एक इजरायली हमले का पलटवार कर रहा है। हिजबुल्ला ने गाजा में इजरायली कब्जे वाले कई इलाकों पर जवाबी हमले किए हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने बीते दिन एक बस्ती में इजरायली सैनिकों के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और एक अन्य ठिकाने पर मौजूद जासूसी उपकरणों को नष्ट कर दिया। गुरुवार को सुबह इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 10 से अधिक क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। इससे पहले इसराइल ने लेबनान के कई गांवों को अपना निशाना बनाया था। ऐसे में हिजबुल्ला ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली ठिकानों पर कई हमले किए। सबसे ताजा हमला तेल अवीव के कब्जे वाले एक क्षेत्र सहित इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से एक के बाद एक कई हमले थे। आपको बता दें कि इसराइल पर गाजा में हमले रोकने का विश्व भर से दबाव है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि हमलों से इसराइल को ही नुकसान है। इसराइल के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि हमास और हिजबुल्ला के साथ इसराइल के युद्ध का और आगे बढ़ना साफ तौर पर इसराइल की बर्बादी का संकेत है। इसराइल इतने लंबे समय से गाजा में नरसंहार कर रहा है, लेकिन वो हमास और हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उनकी अंडरग्राउंड सुरंगों का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये सुरंगें हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की आधी ताकत है। इन सुरंगों के जरिए ये लड़ाके दुश्मन देश की सेना पर हमला करते हैं और उनके हमलों से खुद को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब इसराइल इतने महीनों के युद्ध में बहुत कुछ नहीं कर सका, तो अब उसके लिए युद्ध में पूरी तरह से जीत हासिल करना और मुश्किल है। अब इसराइल के हथियार भी खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसके देश के लोग अब युद्ध से परेशान दिखने लगे हैं। वहां के लोग सेना में भर्ती होने से बच रहे हैं। ऐसे में इसराइल के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं और वो बैकफुट पर दिख रहा है।